इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी सहरसा से झंझारपुर नए रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन। और आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आया रेलवे की तरफ से। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। उद्घाटन स्पेशल ट्रेन झंझारपुर से खुलकर तुमरिया, निर्मली, आसनपुर, कुफा, सरायगढ़, सुपौल होते हुए सहरसा पहुँचेगी। नए रूट पर झंझारपुर से लेकर सहरसा के बीच इसी सप्ताह पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलेगी और संभावना है कि उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 7 या 8 मई को चलेगी। हालांकि रेल सूत्र के अनुसार इस सप्ताह उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नहीं चलने पर अगले सप्ताह जरूर चलने की बात निकलकर सामने आ रही है। ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री रवाना करेंगे और हरी झंडी दिखाकर यहाँ से ट्रेन को चलाया जाएगा। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा और सूत्रों की माने तो नए रूट पर उद्घाटन के बाद सहरसा से दरभंगा अप और डाउन ट्रेन चलने लगेगी। नए रूट पर ट्रेन परिचालन शुरू होने से कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र की लाखों की संख्या में आबादी को सीधा फायदा पहुंचेगा और उनका सफ़र कम समय में और कम खर्च में पूरा हो पाएगा। अभी मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर होकर दरभंगा पहुँचने में जानकी एक्सप्रेस ट्रेन से 4.25 घंटे का समय लगता है और यह नए रूट से होकर अगर ट्रेन गुजरेगी तो लगभग 1 घंटे का सीधा बचत होने वाला है। सूत्रों की माने तो इस नए रूट से ट्रेन को चलाने को लेकर के तैयारियां चालू हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि इसी महीने इस रूट पर ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाएगी। सहरसा से सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर होकर दरभंगा की दूरी सिमट कर मात्र 125 किलोमीटर हो जाएगी। 1934 के बाद से लेकर के यहाँ से ट्रेन का परिचालन बंद था। 1934 में भूकंप की वजह से कनेक्टिविटी टूट गई थी, जिस वजह से अब यहाँ से दोबारा ट्रेन परिचालन बहाल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। आने वाले कुछ दिनों के बाद इस रूट पर ट्रेन का परिचालन आप लोगों को देखने को मिलेगा और उस ट्रेन का सारा डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब।